हेलो नमस्कार वनकम आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो हम एक समरी करेंगे एन एनिमी ऑफ द पीपल की यानी कि लोगों का दुश्मन अगर उसका स्ट्रेट रूपांतर करूं तो इस नाटक को लिखा गया था हेनरिक इब्सन द्वारा ही इज प्रोबली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले राइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ हिस टाइम जिनकी कहानियां काफी कंटेम्प्रेरी थी और आज के समय पर भी इनके जो कहानियां हैं जो नाटक लिखे गए थे उसका एक तरह से कंटेम्प्री आज की दुनिया में भी उसका अर्थ निकलता है ओके दे आर वेरी इवन नाउ इस नाटक को लिखा गया था 1882 में तो मैं इसका समरी करूंगा इस वीडियो में अगले वीडियो में इसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे और इसको बेस किया गया था नॉर्वे में नॉर्वे जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर इसको बेस किया गया था नॉर्वे के एक शहर में हुआ यह था कि वहां पर काफी पैसा खर्च करके कुछ बात यानी कि नहाने का जो स्थान है ओके इन द यूरोपियन कंट्रीज देर वॉज एज कल्चर ऑफ ओपन बाथ्स एक्सेट्रा ओके ये जो बाथ्स का जो सिस्टम था वह ऐसा था कि जहां पर लोग आकर नहा सके और इससे उन लोगों को मदद मिल सके जिनको की किसी तरह की बीमारी हो

टूरिज्म से काफी आमदनी मिलेगी एक तरह से हेल्थ टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म कह लीजिए ओके तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग ऑल दीज इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं एक पात्र है मेयर ऑफ द टाउन जिनका की नाम है पीटर स्टॉकमैन ओके उनके भाई हैं डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन हु इज ए मेडिकल डॉक्टर ओके ही इज द मेन पर्सन एंड देन पीटर स्टॉकमैन और दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से द्वंद होता है डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन को पता चलता है ही कम्स टू नो दैट जो पानी इस इन बाथ्स में है दैट इज कंटेमिनेटेड यानी कि प्रदूषण है पोल्यूशन है इट इज कंटेमिनेटेड बाई वॉट बाई केमिकल्स फ्रॉम द नियर बाई टैंड्रीज टैंड्रीज मतलब जहां पर लेदर बिजनेस चलता हो ओके okay? लेदर का काम वगैरह करता हो तो वहां का जो पोल्यूटेड पानी है वो इस पानी से मिक्स हो रहा है और इस पानी से जब लोग नहा रहे हैं उनको बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा बल्कि और बीमारियां हो जाएंगी ओके okay? सो so, उनका मानना है कि इन बात को बंद कर देना चाहिए ताकि इन पूरे पाइप सिस्टम को रिप्लेस किया जाए राइट right? और ठीक किया जाए

लोग आएंगे नहाएंगे तो एक तरह से मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा हेल्थ टूरिज्म बढ़ेगा तो इससे शहर के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो शहर को काफी पैसे का मुनाफा होगा लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि पूरे पाइप्स को बदलो पाइप्स को बदलने में काफी खर्चा होगा सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन इज एक्चुअली कॉजिंग लॉस टू द इकोनमी ऑफ द टाउन वेर एज वॉट आई एम सींग एज इन पीटर स्टॉकमैन द मेयर ऑफ द टाउन

मिल रहा है राइट विच डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन फाइंड बाबा ये तो नहीं कर सकते राइट right? इनिशियली जो प्रेस वाले हैं और एक्ट थ्री में प्रेस का ही वर्णन किया गया है जो कि हम अभी पढ़ेंगे प्रेस सपोर्ट्स डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन लेकिन जब मेयर पॉइंट्स आउट हाउ कॉस्टली इट विल बी टू रिप्लेस द पाइप्स प्रेस भी एक तरह से पलट जाती है दे स्टार्ट सपोर्टिंग द मेयर एंड डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन बिकम्स An of ridicule, उनका मजाक उड़ाया जाता है एंड ही इन एक्ट फोर जो कि आपके सिलेबस में नहीं है एक्ट फोर में ही लोगों का दुश्मन प्लेट you know, डॉक्टर जो मेजोरिटी का जो ओपिनियन होता है हमेशा ऐसा नहीं हो होता कि मेजोरिटी ओपिनियन इज ऑलवेज राइट ऐसा नहीं है जो ज्यादा लोग सोचते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो ही सही मत हो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द माइनॉरिटी कैन ऑल्सो बी राइट एंड इन दिस केस ही वॉज ओनली वन हुक्चुअली से राइट थिंग सो दिकम सम मेटेफर सिंबल ऑफ दहर के लोग जो गलत डिसीशन ले रहे हैं उसका सिंबल बन जाता है ओके आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई है इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली सत्यजीत रे

सो रेलिवेंट टू द टाइम्स ऑफ टूडे हिंदुस्तान भारत में हम रहते हैं उसके लिए भी काफी रेलिवेंट है दैट यू नो यू डोंट काइंड ऑफ अलाउ उसमें इंड करने के लिए कहा गया था कि एक मंदिर का uh, पानी पोल्यूटेड पानी इज गेटिंग इन टू द बास दैट्स हाउ सत्यजीत इंडनाइज दैट पर्टिकुलर Uh, in that film Ganeshatru. So what happens in Act 3? Act 3 is the changing point of the play because Shurume ki press Dr. Thomas Stockman ko support karai turns hai and moves in favor of the mayor Peter Stockman. So that is what happens in Act 3. And the mayor is bothered about the economic losses to the town uh, instead of the health impact it will cause to the visitors. Right? Uh, so it is a fight between पर्सनल इंटेग्रिटी जो, जो कि डॉक्टर स्टॉकमैन रिप्रेजेंट करते हैं टू डू द राइट थिंग पूरा काम उन्होंने किया था तो अगर पाइप को रिप्लेस करने की बात आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स होगी तो वो पूरे पीटर स्टॉकमैन पे आएगी कि पाइप को किसने इंस्टॉल किया तो उसने किया तो वो अपने आप को बचाने के लिए ही टू पुट दी विजिटर्स कमिंग इन टू द टाउन टू रिस्क सो दट इज द डायमा ऑफ द स्टोरी ओके ऑफ द प्ले सो आप uh, इस नोट को पढ़ेंगे सो नॉर्विजियन प्ले राइट थियेटर डायरेक्टर एंड पोएट एंड ही वॉज नोन एज ए फादर ऑफ रियलिज्मी की वेरी रियल काइंड ऑफ स्टोरीज के बारे में लिखते थे इनके जो कहानियां हैं डॉल्स हाउस इज वेरी फेमस एनिमी ऑफ दीपल इज अनदर वेरी फेमस प्ले ओके सो दैट इज एंड इसमें अगर आप थीम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नाउ वेन यू रीड इट आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज नाउ आई एक्सप्लेन टू यू वॉट इज द प्ले ऑल अबाउट सो और काफी माना जाता है कि जो इप्सन का कैरेक्टर ही डॉक्टर थॉमस स्टॉकमेन के कैरेक्टर से काफी जुड़ा हुआ है इसमें जो लिखा है द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेस हीरोज डॉक्टर स्टॉकमैन आर नॉट फार रिमूव्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स प्रॉब इप्सन द पब्लिकेशन ऑफ गोस गोस एक जो दूसरी उनकी कहानी थी जो उन्होंने लिखा था डॉक्टर स्टॉकमैन एंड आई गॉट ऑन एक्सीलेंटली टुगेदर वी एग्री ऑन सो मेनी सब्जेक्ट उनका कैरेक्टर और उसमें उनमें काफी समानता है ओके okay? सो so, उसके बाद ये स्टोरी लिखी गई है तो आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्ट थ्री में हम आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं लेकिन एक्ट वन और टू में क्या हुआ और इसके बाद एक्ट फोर फाइव में क्या होगा अगर आप पूरी कहानी को समझे सो यूल बी एबल टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स और इसके जितने भी प्रश्न आएंगे यूल टू आंसर दम दैट मच बेटर सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद प्ले इट सेल्फ राइट सो ज्वाइन मी देन and then we will explain i'll explain each and every word and line to you so that aapko puri tarah se ye play samajh mein aa jaye काफी fascinating play है it's a very fascinating play आपको बहुत मजा आएगा okay tata bye bye